तो फाइनली LG का 4K TV आ चुका है। अब इसका हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे क्या क्या इसमें मिलता है। ये रहा इसका रिमोट। अरे यार क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए इसमें एक मैजिक रिमोट है, अगर आप सेटिंग दबाते हैं ये जो घूम रहा है यही है इसका मैजिक रिमोट फीचर। मतलब आप वीडियो देखते टाइम भी इन सारे सेटिंग्स में जाके अपना पिक्चर का क्वालिटी या साउंड किस में जाएगा ये सब चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सेटिंग है इसमें, इस टीवी में 4K रेजोल्यूशन है। अगर आपको ऐसा इसका सारे इंस्टॉल ऐप देखना है तो होम बटन को दबाइए, उसके बाद देखिए ये सारे आपके इंस्टॉल्ड ऐप हैं जितने भी हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह सारे अवेलेबल है। और इनका अपना ऐप स्टोर भी है, यहाँ पे दबा के आप इसका ऐप स्टोर में जा सकते हैं। ये इसका ऐप स्टोर, यहाँ से आप जितने भी चाहें अवेलेबल ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं इस टीवी में और इसका आनंद ले सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है 4K रेजोल्यूशन के साथ। इसमें कुछ आपको ऑडियो सैंपल सुनाते हैं। चलिए आपको इसका ऑडियो सैंपल सुनाते हैं। अब इसका मैजिक रिमोट से सेटिंग को चेंज करेंगे, यहाँ पे सेटिंग बटन दबाना है, उसके बाद यहाँ पे आके अभी फ़िलहाल ये होम थिएटर में बूट कर रहा है तो इसको चेंज करते हैं। ये आ गया इसका टीवी स्पीकर। सबसे इसका अच्छा चीज़ जो है मैजिक रिमोट का कि आप कोई भी कंटेंट वॉच कर रहे हैं उसी टाइम इसका ऑडियो वीडियो सेटिंग अपने मन चाहा तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे कभी मैं यहाँ सेटिंग दबाता हूँ, सेटिंग दबाने के बाद ये देखिए आपका सारा सेटिंग का ऑप्शन आ गया। अब आपको जैसा पिक्चर क्वालिटी चाहिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, आपका कंटेंट प्ले होता रहेगा उसके बावजूद भी आप सारा चीज़ में कर सकते हैं। यही इसमें खास फीचर है मैजिक रिमोट जिसको बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि एरो कैसे नेविगेट कर रहा है रिमोट के मूव करते हैं। इसमें आपको हर चीज़ के लिए डेडिकेटेड बटन मिल जा रहा है। एलेक्सा को चेक करते हैं। चलिए एलेक्सा से कुछ कमांड लेते हैं। प्ले म्यूजिक, देखिए फिर से गाना बजाने लगा यहाँ पे। व्हाट्स द वेदर आउटसाइड, प्ले म्यूजिक, गेटिंग दैट फ्रॉम YouTube, ये गूगल है, प्ले म्यूजिक, इसमें टोटल 3 प्री असिस्टेंट है।
एलेक्सा, गूगल और इसका खुद का है। ओपन ओपन यूट्यूब। आप इन तीनों असिस्टेंट का यूज करके इस टीवी को बड़ी बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। ओपन वीडियो प्लेयर। चलिए ओवरऑल इस टीवी में आपको 1.5 GB का रैम मिल जाता है, 8 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है और पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। साउंड क्वालिटी भी अच्छा है, 20 वाट का स्पीकर है, थोड़ा और होना चाहिए इस प्राइस रेंज में बट ठीक है। और जितने भी स्ट्रीमिंग ऐप है, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सारे इस टीवी में अवेलेबल हैं।